हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है KGME की जो स्टाफ की जो एग्जाम था, यानी कि जो KGME का जो परमानेंट जो नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम था, जिसकी एग्जाम डेट है 26 नवंबर को, ठीक है, यानी कि जिसकी एग्जाम डेट है 26 नवंबर को इसका एग्जाम होना है KGME की परमानेंट वैकेंसी का, तो उसके जो एडमिट कार्ड थे वो एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए हैं। यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कोई भी एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएंगे या तो 20 यानी कि आज शाम तक आ जाएंगे, यानी कि जहाँ तक हो सके 99% आपके इवनिंग तक जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, या फिर 21 यानी कि 21 तारीख को जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिए जाएंगे। लेकिन KGME की तरफ से एक बड़ी अपडेट कैंडिडेटों को दे दी गई है, यानी कि जिन कैंडिडेटों ने एग्जाम फॉर्म भरा था नर्सिंग ऑफिसर का, तो उनके लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट KGME की तरफ से भेज दी गई है। यानी कि उन सभी को मैसेज कर दिया गया है, ईमेल कर दी गई है कि आपका सेंटर है वो कहाँ आने वाला है और आप अपना जो ट्रैवल है उसका अरेंजमेंट कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सी मेल आई है, किस प्रकार की मेल आई है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जिन कैंडिडेटों के पास मेल नहीं आई है उनको क्या करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको यहाँ पर यह मेल दिख रही होगी, यहाँ पर मेल किस नाम से आई है ये देख लीजिए, NOWE 2023 इस नाम से ये मेल आई है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, NOWE की 2023 कंट्रोल रूम से जो आपकी जो ईमेल है ये डाली गई है, और इस ईमेल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 सेंटर की लोकेशन आपको यहाँ पर बताई गई है, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि KGME नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 यानी कि जो नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम है, योर एग्जाम डेट क्या है 26 नवंबर को क्या है, आपकी जो एग्जाम डेट है वो रहने वाली है, और एग्जाम सेंटर वुड बी इन आगरा, और आगरा के अंदर आपका जो एग्जाम सेंटर रहने वाला है, यानी कि स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका एग्जाम सेंटर आगरा रहने वाला है। प्लीज़ मेक योर ट्रैवल अरेंजमेंट, यानी कि आपका जो ट्रैवल का अरेंजमेंट है, आप किससे जाएंगे वो सारी चीज़ें आप अरेंज कर लें, क्योंकि आपका जो सेंटर रहने वाला है वो आगरा रहने वाला है, और एडमिट कार्ड विल बी इशू शॉर्टली, यानी कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो बहुत ही जल्द आपको इशू करवा दिए जाएंगे, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको इशू करवा दिए जाएंगे कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन KGME, यानी कि KGME के कंट्रोलर से ये जो ईमेल आई है, ये मेल आई है, ये देख लीजिए इस प्रकार की आपकी मेल है। मैं आपको बता दूँ यस्टरडे यानी कि कल कैंडिडेटों के पास लगभग आप 90% कैंडिडेटों के पास जो मेल है वो कल डाल दी गई, जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म में जो मेल दिए थे उस मेल के ऊपर जो KGME की तरफ से नोटिफिकेशन है वो डाल दिया गया है आपका सेंटर कहां है। तो जिन कैंडिडेटों ने कल से मेल चेक नहीं की है तो वो सबसे पहले जाएं और अपनी मेल को चेक करें कि आपकी जो मेल है वो आई है नहीं आई। अगर आपकी मेल नहीं आई है तो उसको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जिन कैंडिडेटों के पास मेल नहीं आई है तो उन कैंडिडेटों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की वहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी कारण से आपकी मेल नहीं आई है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही क्या डलेंगे, एडमिट कार्ड डलेंगे, तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपनी जो ID पासवर्ड है उसके माध्यम से आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी डाउट ना रखें कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आया है, या फिर एडमिट कार्ड क्या नाम है ईमेल नहीं आया है तो एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो जो मैं आपको बता दूं, जिन कैंडिडेटों के पास मेल नहीं आई है उन कैंडिडेटों का भी यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो आने वाला है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, रेगुलरली हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको जरूर मैं अपडेट दूंगा। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट टाइम में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड हैं वो अपलोड हो चुके हैं। तो यही अपडेट आपके लिए पहुँचानी थी कि अब फिर से मेल डाली गई है, आप अपना मेल जरूर चेक कर लें। तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय।